गुड इवनिंग, क्लॉक टॉपिक चल रहा था उसमें और काफी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। पॉइंट जो हम लोग का है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम क्लॉक को कंप्लीट कर देते हैं। एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। इस घड़ी को एट एम पर सही सेट किया गया। ठीक है, जब रात के 10 बज रहे होंगे यानी कि 10 PM हो रहा होगा, तो इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, आप ये बताओ कि ये घड़ी 10 बजे से ज्यादा दिखाएगी या 10 बजे से कम दिखाएगी। ये घड़ी तेज हो रही है, एक घड़ी 5 सेकेंड में 3 मिनट तेज हो जाती है, तेज चल रही है, तेज फास्ट चल रही है, और 8 AM पर सही की गई है। अगर सही टाइम जो होगा, रात के 10 बज रहे हैं, इस घड़ी में क्या हो रहा होगा, 10 से ज्यादा हो रहा होगा या 10 से कम कोई टाइम हो रहा होगा, एक अगर सिंपल अंदाजा लगाए तो। देखो एक बात तो समझो, घड़ी तेज चल रही है तो 10 बजे से कम होगा ही नहीं, ये 10 बजे का ज्यादा होगा क्योंकि घड़ी फास्ट है। तो अगर सही टाइम 10 बज रहा होगा तो इसमें 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल सा, एक जनरल बेसिक, अब इनके लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं चाहिए होता। ठीक है, अब जैसे कहा गया 5 सेकेंड में 3 मिनट तेज हो जाती है, तो कैसे करोगे, सेंस 3 मिनट में तेज होती है 5 सेकेंड, तो 1 मिनट में 5/3 सेकेंड। ठीक है, तो ये बात हो गई, 1 मिनट में इतना होगा। अब आप हमें बताइए कि अगर सुबह के 8 AM हो रहे हैं तो 8 AM से 10 PM तक टोटल टाइम कितना हुआ। कितने घंटे हो गए, उसी दिन की बात हो रही है, 14 घंटे। तो 8 बजे अगर हमने सही सेट किया होगा तो 14 घंटे में कितना तेज हुई होगी, यही तो बात हुई, 14 घंटे में जितना तेज हुई होगी वही समय होगा। तो हम पहले ये निकाल लें कि 1 घंटे में कितना तेज होगी। पहले तो ये निकाल लो, अगर ये निकल आएगा तो 14 घंटे में आ जाएगा। तो घंटे में कैसे निकालोगे, आपको 1 मिनट का पता है कि 1 मिनट में तेज होती है 5/3 सेकेंड, 1 घंटे में तेज होने का मतलब हो गया 60 मिनट में। इक्वेशन 1 से 1 मिनट में तेज होती है
5/3 सेकेंड, तो 60 मिनट में तेज होगी 5/3 × 60, 100 सेकेंड। क्लियर है? जब एक मिनट में हमारा 5/3 सेकेंड होती है तो 60 मिनट में तेज होगी 100 सेकेंड, हमें चाहिए 14 घंटे में। देयरफोर 14 घंटे में, और 14 घंटे का मतलब हो गया 14 × 60 मिनट में, तो 14 घंटे में, तो 14 घंटे में हो गया 14 × 100, 1400 सेकेंड। अरे 60 मिनट एक घंटे ही हुआ ना, 60 मिनट तो एक ही घंटे हुआ ना, तो एक घंटे में कितनी तेज हो रही है 100, तो 14 घंटे में कितनी होगी 1400 × 100, 1400 सेकेंड। 1400 सेकेंड को बदल लो आवर में, तो 60 से भाग दे दो, 1400 / 60 कितना हो गया, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 2/3 मिनट। तो ये मिनट में हो गया 23 सहित 2/3 मिनट। इसको जब चेंज करोगे तो 23 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। आता है कन्वर्ट करना? ये मिनट होगा, 23 मिनट होगा, ये जो होगा वो सेकेंड होगा, 2/3, ठीक है। छे दुनी 12, 2 सही है, ये 23 सही 2/3, तो गड़बड़ होगा, 20 मिनट क्यों होगा फिर, 1/3 होगा ना। ओहो, 1/3 होगा। अब सही है ना? अब ठीक है, तो 6 × 12 ये जो 23 सही 1/3 होगा, तो 23 सही 1/3 होगा, तो इसका मतलब हो गया कि 23 मिनट 20 सेकेंड, ये इसका मतलब सही टाइम आया 10:23 PM, ये सही आंसर है। तो इस घड़ी में ये समय हो रहा होगा, यानी कि अगर करेक्ट टाइम हमारा 10 बज रहा होगा, अगर करेक्ट टाइम हमारा रात के 10 बज रहे होंगे, तो ये जो गलत घड़ी है वो इतना दिखा रही होगी, वो 14 घंटे में 23 मिनट फास्ट हो चुकी होगी, क्योंकि हर घंटे वो 100 सेकंड फास्ट होगी, तो अगर हर घंटे वो 100 सेकंड फास्ट होगी तो ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट है इसका, क्लियर। बाकी नोट्स हमने आपको PDF शेयर कर दिया है, अपना देख लेना, ठीक है, जो जिसका छूटा होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो पूरे क्लॉक में हम लोगों ने देखा, अगर हम एक पूरा एक शॉर्ट में समझें, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमें मिरर इमेज निकालनी होती है, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1160 से जनरली माइनस करते हैं, यही करते हैं, ठीक है, मेनली। अगर हमें वाटर इमेज चाहिए होता है तो जनरली हम लोग वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, 1830 या फिर किससे 1790 से माइनस होता है। अगर हमें एंगल निकालना है, यानी कि कोण निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 60h डिफरेंस 11m/2। और अगर हम टाइम वाला देखें, टाइम निकालना था
तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2/11 t1 into 30 प्लस माइनस थीटा था, ठीक है। यहाँ पे जो h था वो क्या था, आवर था, और m क्या था, मिनट था। यहाँ पर जो t1 था वो पहला आवर था, फर्स्ट आवर, और थीटा जो था वो एंगल था सुइयों के बीच। एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जब सुइयां क्रॉस करती हैं तो उस समय हमने एक फॉर्मूला देखा था, 65/5/11 माइनस दिया गया टाइम अपॉन दिया गया टाइम इनटू टोटल टाइम। ये एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। तो ये कुछ मेजर फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा, ठीक है। ममता अभी स्टार्ट किए हैं, जस्ट एक क्वेश्चन करवाए हैं, केवल यहां से किए हैं, ये वाला लास्ट एक जनरल सेंस का क्वेश्चन था ये, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना था आपको, एक अपना केवल यूज करना था दिमाग और सॉल्व हो जाता हो। तो हमने क्लॉक में मेजर पॉइंट्स आपको ये सारी चीजें बता दी है, और अगर आप ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो सब आपका कंप्लीट है। बाकी नोट्स में हमने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई एंगल निकालना होता है तो आप ध्यान रखिएगा थीटा, चाहे वो 180 डिग्री हो, 90 हो, 45, जो भी एंगल दिया जाए वहां से आप वो समय निकाल सकते हैं। लेकिन वो वाला फॉर्म, वो सारे पॉइंट्स याद रखना, प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है ना, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक 11 बार आती है, ये सब 90 डिग्री दो बार बनता है, लेकिन एक घंटे में दो बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है, क्योंकि एक टाइम रहता है 2 से 3 बजे वाला, उस दौरान वो एक ही बार बनता है 90 डिग्री, है ना। तीन 30 मिनट और 4 के बीच में कब 90 एंगल बनेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, रखो ना फॉर्मूले में। टाइम 3:30 है तो t1 क्या होगा, 3 होगा, 3:30। अरे पूछ रहे हो कि 3:30 और 4 के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा, तो 3:30 का मतलब t1 3 हो गया, थीटा 90 हो गया, सिंपल है। 3:30 का मतलब 3 पहला आवर जो रहता है वो स्टार्टिंग वाला रखना होता है। तो यहां से हम लोग क्लॉक वाला कंप्लीट किए। शीट सॉल्व हुई है, कैलेंडर वाली शीट सॉल्व हुई है, डाउट आए हैं, सॉल्व नहीं हुआ है, डाउट कहां से आएगा, तुम लोग खत्म आदमी हो, अरे काम। सॉल्व करते रहो, शीट सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है, उसको मार्क करते रखे रहो, शीट हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो यहां से आपका ये पॉइंट है, पहले अपना ट्राई करते रहो और नोट्स वगैरह पहले एक बार उसको रिवाइज करके और फिर करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लॉक वाला भी अब शेयर कर देंगे, शीट है अभी नहीं शेयर कर रहे, फिर हम शेयर कर देंगे। एक टॉपिक हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग में, जैसे हम लोग कहते हैं अगला चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में आपका होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई सारे टॉपिक यहां से कवर होंगे, ये हम जो शुरू कर रहे हैं। सीट नहीं मिला है, सीट अभी हम शेयर नहीं किए हैं, ऑनलाइन ही भेजेंगे, ऑफलाइन वाला में नहीं है, ऑनलाइन भेजेंगे। देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये समझ लो, कितने प्रकार के, तो आप समझेंगे। एक सबसे पहला बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा इस पर बनता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी,
ऑड वन आउट, तीसरा बनता है लेटर सीरीज, चौथा बनता है पेयर फॉर्मेशन, पांचवा बनता है जंबलिंग, छठवां बनता है जंबलिंग, सातवां बनता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि अगर हम लोग देखें तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है इस अल्फाबेट में, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट एबीसीडी से रिलेटेड इतने हैं, ये सब चैप्टर हैं, ये सात चैप्टर हैं अलग अलग, ये सारे चैप्टर हैं रीजनिंग के, लेकिन ये सारे चैप्टर किस पर बेस्ड होते हैं, अल्फाबेट पर बेस्ड होते हैं, एबीसीडी पर। तो एक एक करके हम लोग करेंगे, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा हमारे सात चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हम ये वाला शुरू कर रहे हैं। हम लोग अल्फाबेट को शुरू करेंगे, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, अल्फाबेट सीरीज से शुरू करेंगे और वर्ड फॉर्मेशन तक इसको हम लोग खत्म करेंगे जो हमारे एबीसीडी से रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका हम लोग देखेंगे, पहले एबीसीडी आपको आनी चाहिए, हम आशा करते हैं कि आप सभी को एबीसीडी आती है, ठीक है, और ए से लेके जेड तक आप सभी को आता है। अब वो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि कितना एबीसीडी आता है, ठीक है ना। तो नोट हो गया सबका ए से लेके, तो पहला ये चैप्टर है, ध्यान रखिएगा सब चैप्टर है रीजनिंग में, जब देखोगे ना तो ये चैप्टर है पूरे, अल्फाबेटिकल सीरीज एक चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग एक अलग चैप्टर है, एनालॉजी एक अलग चैप्टर है, ऑड वन आउट, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ये विषम शब्द चुनिए, ये होता है, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है, सादृश्यता, ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। इनके अंदर खुद तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एनालॉजी तीन प्रकार का बनता है, ऑड वन आउट भी तीन प्रकार का बनता है। मतलब ये मान लो कि ये कंप्लीट होने का, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके साथ, तो आपको पता है कितने नंबर कंप्लीट हो गए, ये सात चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब 20 से 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कम से कम। ये सात चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कम से कम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, लेकिन उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एबीसीडी की पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, नंबरिंग। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हम बात करें कि ए की पोजीशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये रटना है, याद करना है। बार बार ए से लेके जेड तक लिखेंगे नहीं हम, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ही आए यू, तो हमने कहा यू में क्या, तो आप कहेंगे यू का 21 आएगा, उसमें आर, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, आई तो आई का 9, एच 8, पी 16, ओ 15, जेड 26, एक्स 24, ये रटा होना चाहिए, ये आपका काम है इसको याद करना, ठीक है ना। हमने कहा एम, एम का कितना होता है,
एम का 13, एम का कितना होता है 13 है ना, 13, मैं 13 होने लगा हूं, मैं किसका होने लगा हूं, मैं 13 होने लगा हूं, मैं मतलब एम, एम मतलब 13, समझ गए, बहुत सिंपल तरीका, एम का याद हो गया। ओके, एल का क्या होता है 12, एल का क्या होता है, एल मतलब लव, जो लव करेगा उसके 12 बच जाएंगे, ठीक है, तो खाली पढ़ाई पे ध्यान देना है, लव पे ध्यान नहीं देना है, तो जो लव करता है उसके 12 बच जाते हैं, तो एल बड़े आराम से याद हो जाता है। अगर हम कहें यू और वी, तो यूवी से मतलब होता है युवराज सिंह, यूवी मतलब युवराज सिंह, तो युवराज सिंह 21-21.5 साल की उम्र में क्रिकेट में आया था, तो 21-22 के बीच, यूवी युवराज सिंह 21-21.5, तो 21-22 दोनों आसपास है युवराज सिंह, ठीक है। अब ये तो इतना तो सबको याद रहता है भाई, ए बी सी डी, अब ये इसके लिए भी कोई ट्रिक थोड़ा चाहिए, ए का एक होता है, बी का दो होता है, सी का तीन, डी, शुरुआत के तो 4-5 याद रहते हैं सबको, ठीक है ना। इसके अलावा एक और होता है तरीका, एक ट्रिक होता है, ई ज्योति लिखा जाता है, ई ज्योति, ई ज्योति, जैसे ये कहा जाता है तो इसको बोलते हैं 5, 10, 15, 20, 25, अगर आप ये शब्द याद रखते हैं तो ये इस तरह से भी क्या होता है, ये जोटी, इसको भी ध्यान रखा जाता है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। पांच दस पंद्रह बीस इस तरह से होता है। एक और तरीका आपको याद रखना है, जैसे हमको पता करना होता है अपोजिट टू ईच अदर, हमें यह पता करना होता है कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, एक ये भी ध्यान रखना होता है। तो अगर अपोजिट टू ईच अदर पता करना है, जैसे ए का अपोजिट कौन, कौन सा लेटर ए का अपोजिट होता है, बी का अपोजिट लेटर कौन होता है, सी का कौन होता है, ऐसे एक होता है, कैसे याद रखोगे, दो अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है, दो अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें ए का अपोजिट लेटर, तो ए का अपोजिट लेटर कौन, जेड, ए का अपोजिट लेटर कौन, जेड, सिंपल है। जैसे ए का मतलब 1 और जेड कितना 26, 1 + 26 = 27, सम 27 हो जाए, तो कोई भी बता सकते हो, बता लोगे कि नहीं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो किसी का भी लेटर का बता दोगे। जैसे अगर हम कहें आपसे आर का अपोजिट लेटर, तो अब आपको पहले यह पता चलना चाहिए कि आर का होता कितना है, 18, आप देख लो कौन सा लेटर होगा, दोनों का सम 27 होना चाहिए, और अगर दोनों का सम 27 है तो कितना कम बचा, 18, 9, 9 किसका होता है, आई का होता है, ठीक है। बट इसके लिए भी एक तरीका बताया गया है याद करने का, देखिए कैसे याद किया जाता है, बट हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कभी भूलो ममता नहीं आया सर, ये यार आर का अपोजिट लेटर आई कैसे हुआ, देखो आर का सम कितना है, आर मतलब वैल्यू कितनी होती है, 18, ठीक है, आर प्लस अपोजिट लेटर
इज इक्वल टू 27। दोनों के सम कितने होने चाहिए? 27 होने चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 18, ये बताना है। तो इसका मतलब हो गया 27 माइनस 18 कितना हो गया? 9। 9 किसका होता है? आई का होता है, नहीं हो गया ममता? ये अब मैसेज करके वो सब गायब हो जाते हैं, बाकी हम ढूंढते रहे। हो गया, आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे बता, देखो कॉन्सेप्ट बता दिए तो अब कोई मतलब ही नहीं है, बट फिर भी ऐसे होता है। ए का अपोजिट कौन? जेड। बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, इवनिंग यू, टी एच आर के के ठीक है, ये होता है। जैसे ये आज इसको क्या पढ़ते हैं, इसको आज पढ़ लो आज, ठीक है। इसको क्या पढ़ लो? बॉय। ये क्या है? क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाउस या हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन, कमला पसंद, ठीक है, और लव मैन। मतलब ये अपोजिट याद करने का तरीका बताया जाता है, अपोजिट, कि ए का अपोजिट जेड। लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया भाई, अपोजिट कैसे पता करना है? 27 में से माइनस कर दो, दूसरा वाला अपोजिट पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों के सम है। देखो सबका सम 27 होगा, यहाँ पर सबका सम क्या होगा? 27 होगा, क्लियर है। ए का कितना होता है? 1। इसका कितना है? 26। हो गया 27, दोनों का सम 27 होगा। इसका कितना होता है? 2। ये कितना होता है? 25। 25 और 2 27, ये होता है 3, 24, हो गया 27। ये होता है 4, 23, 23 4 27, 5, और इसका कितना होगा? 22। ये कितना होता है? 6, ये 21, ये 7, ठीक है। टी का कितना होता है? 20। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमने सीधा कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि कोई भी दो लेटर आपस में अपोजिट कब होंगे? जब दोनों के सम 27 होंगे। ये याद करने का तरीका होता है सीधा। आज ए और जेड अपोजिट, बॉय बी और वाई, क्रैक्स सी और एक्स, ड्यू डी डब्ल्यू, इवनिंग ई और वी, फन एफ और यू, जीटी रोड जी ओ टी, आई आर इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन, के पी कमला पसंद, तो के और पी हो गए, ठीक है। एल लव, एल और ओ M. क्या हमारी बात समझ में आई? आसान है, इसमें ज्यादा कुछ चक्कर नहीं है, सब पता चल गया आपको। अच्छा अब एक और चीज हमें याद रखनी है, जब एक टर्म होता है बाएं से दाएं सीरीज, बाएं से दाएं सीरीज, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब होता है ए बी सी डी से
जेड की तरफ जाना है, मतलब अगर लेफ्ट छोड़ कहें लेफ्ट एंड, तो ये ए वाला होगा, बी सी डी ऐसे, और जो एक्स वाई जेड तक जाएगा तो ये होगा राइट एंड, दाया छोर। तो बाएं छोर का मत, अगर बाएं छोर को बोले हम लोग कि ये बाया छोर है, तो ये बाया छोर हुआ, दाया छोर इधर है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें बाएं छोर से चलना है, लेफ्ट हैंड से, तो हम कहेंगे ए की तरफ से जेड तक जाना है। अगर हम कहेंगे दाएं छोर से बाएं आना है, तो जेड की तरफ से आना है। जैसे दाएं से बाएं जाना है, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब हो गया Z, ठीक है, Y, X, ठीक है, W, और इस तरह से आपको जाना है कहां से, D, C, B, A तक जाना है। क्या हमारी बात समझ में आई? अगर दाएं से कहता है तो इसका मतलब Z से वापस A की तरफ लौटता है, लेकिन अगर वो कहता है बाएं छोर से, तो बाया छोर मतलब होता है जो सीरीज होती है हमारी एबीसीडी, जिस क्रम में लिखते हैं, मतलब एबीसीडी एफ जी एच, तो इसको बोलते हैं बाएं छोर से दाएं छोर, मतलब हम बाएं से कहां जा रहे हैं, दाएं की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, यही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वैल्यू याद कर लोगे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही आएंगे, ये बाया दाया। तो लेफ्ट का मतलब जब कहेगा तो ए बी सी डी से जेड की तरफ जाना है, और जब राइट से कहेगा तो जेड से वापस इधर लौटना है। क्या हमारी बात समझ में आई? इसमें ज्यादा दिक्कत तो कोई है नहीं, वैल्यू आपको याद करना है, वो आपको रट जाएगा। अब रटने का काम आपका है, अब बैठ के हम रटाएंगे तो नहीं, जानते हो, है ना, अपना याद कर लेना, जितनी जल्दी याद हो जाएगा उतना बेटर है। चलो यहां तक सब ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, और जहां जो जरूरत पड़ेगी उसकी बात हम लोग करेंगे। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं छह होगा? Which letter is sixth to the right of tenth from the left end in English alphabetical सीरीज? देखो कई बच्चों का आंसर आने लगा है, ई आया है कुछ का पी आया है, डी भी आ रहा है, अरे खत्म, सब खत्म, कुछ भी आंसर आ रहा है, ई आंसर आ रहा है, री यार तुम लोग का सर फोड़ देंगे हम तुम लोग को, एबीसीडी नहीं आती तुम लोग को, हैं? हाई देखो यू बता रहे हैं, देख क्या कहां, तुम लोग को बगल में मिलो तो फोड़ दे तुम लोग का सर ही, हम यू बता रहे हैं आंसर। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं छठवां होगा? आ,
अब समझ गए, एबीसीडी तो आ रही है तुम लोग, बाया दाया नहीं आ रहा, तुम लोग और खत्म हो। हम समझ गए, एबीसीडी तो आ रही है, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि बाएं किधर जाना है और दाएं किधर जाना है। कसम से क्या बताए, क्या बताए, कैसे कैसे हमारे स्टूडेंट मिले हैं हमको, कहीं हम पूछ लें कि इनका बायां हाथ तो वो दायां वाला बताएं, ये वाला सर कहे बायां तो कहेंगे ये वाला सर है? अरे जिधर बायां हाथ है वो बायां होता है, जिधर दायां होता है वो दायां होता है। चलो बताते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये अगर कोई पॉइंट है, ये अगर कोई पॉइंट है ठीक है ना, पहले बता दे, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा दोगे, तुम लोग को पूरा एकदम एबीसीडी कराना पड़ेगा। देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं छठवां होगा, तो बायां छोर ये हो गया, दायां छोर इधर हो गया। अब हमसे कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जेड तक जाएगा ना। हम केवल आपके लिए लिख रहे हैं, ये लिखा नहीं जाता है, आप हमारे इतने महान स्टूडेंट है कि हमको पूरा एबीसीडी लिखना पड़ता है ठीक है। तो अब समझो जरा इसको कि क्या है ये पॉइंट आपको कह रहा है। सबसे पहले यहां देखो, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, पहला पॉइंट मिला है बाएं से, तो हमको बाएं से चलना है, इधर चलना है। अगर ये कहता दाएं से तो हमें इधर से चलना होता। हेलो ठीक है, तो ए से जेड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो बाएं से कहा है पढ़ते समय क्वेश्चन को, जो ये पहला मिलता है इसको हमने समझा कि बाएं से, तो बाएं छोर से हमें चलना है इस तरफ। अब पहला पॉइंट जो पढ़ते जाओ, बस करते जाओ, बाएं से दसवें, तो बाएं से दसवें, तो बाएं से दसवां कौन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां। अब जिसको डायरेक्ट याद होगा कि जे जो होता है वो दसवां होता है, तो सीधे जे पे पहुंचेगा, और आप जैसे हमारे विद्वान स्टूडेंट होंगे तो एक एक गिन के पहुंचेंगे, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, ठीक है। हाँ, जैसे पहुंचना है पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर हम पहुंच गए जे तक, तो ये हो गया बाएं से दसवां, ये काम खत्म हो गया बाएं से दसवां। तो बाएं से दसवें में हम पहुंच गए जे पर। अब ये कहता है बाएं से दसवें के दाएं, मतलब जे के दाएं, जे के दाएं छठवां, तो जे के दाएं छठवां, ये कह रहा था कि बाएं से दसवें, तो बाएं से दसवां हो गया जे, और जे के दाएं छठवां, जहां पर आप पहुंचे हैं उसके दाएं छठवां, तो छठवां कौन होगा, एक दो तीन चार पांच छ, पी होगा, आंसर इज पी। हो गया, कुछ आ गया ना, आ गया एबीसीडी आ गई। हेलो, कई लोग का सही था, लेकिन कई लोग का ई था, कई लोग का बी था, पता नहीं क्या क्या था। चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखें कहां तक क्या करते हो। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें के दाएं पांचवां होगा,
फटाफट आंसर आ रहा है, तेज हो गएगा तुम लोग, अरे दो ही मिनट में तेज हो गए सब का, जब भाई। मगर ठीक है, सबका एक गलत हुआ, किसने टाइप किया है गलत, किन्ने में उसकी गड़बड़ी हुई है, तारिक, तारिक तुम्हारा गलत है, गिनने में गड़बड़ हुआ है, एक पीछे रह गए हो, एक और आगे जाओ। सबका आंसर आ गया, सबने बिल्कुल करेक्ट दे दिया, मतलब गिनना आ गया आपको। अरे तो हमारे महान स्टूडेंटों, पेपर में ये सीरीज नहीं बनानी है, आप कम से कम कुछ समझ पाओ तो हम कुछ ट्रिक बताएं, ट्रिक तो तब बताएं जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में गिनने, तो हम ट्रिक कहां से बताएं, है? तो आप सीरीज बार बार नहीं बना सकते पेपर में, ठीक है, लेकिन कोशिश करो, एक दो और कराएंगे फिर हम ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें के दाएं पांचवा होगा, ठीक है ना, तो अगर हम इसमें देखें तो बाएं से का मतलब होता है बाया छोर, बाएं छोर से, और दाया छोर मतलब हम मान लेते हैं उधर, ठीक है, तो बाएं छोर का मतलब हो गया कि ए से चलेगा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब जेड तक जा सकते हो। अब शुरू करेंगे आप पढ़ना, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां, तो बाएं से नौवां होता है आई, बाएं से नौवां, जब हम बाएं से नौवां आई पे पहुंच गए तो अब हमें बताना है कि नौवें के दाएं पांचवां, तो आई के दाएं जाना है, दाएं पांचवां, तो अब इसके अगर दाएं हम जाते हैं तो कौन कौन पड़ेगा पांचवा, एक दो तीन चार पांच, एन पड़ेगा आंसर। ठीक है सर, ट्रिक भूल सकते हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब समझदार तो हो रहे हो तुम लोग हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा, अरे अरे बहुत तेज टाइप हो रहा है, ई किसने आंसर दिया है, एक किसी ने ई दिया है आंसर, कौन है ये, चलो टाइपिंग एरर हो गई होगी, ठीक है, डी सही है ना, देखो सब कुछ वही सेम है, अब आपको दाएं नहीं जाना है बाएं जाना है, एक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, अब देखो बायां छोर जो है हमारा वो ये है बायां छोर, तो आपसे ये कहता है कि बाएं छोर से नौवें, तो बाएं से हम चले नौवें, आई मिला, अब आई को आपको देखना है और इसके अब बाएं जाना है पांचवा, तो इसका बाया इधर होगा, बाया इधर होगा, अब इस लेटर का बाया देखना है ना, उसके बाएं जाना है, तो इसके बाएं जाने का मतलब ये, तो कितना जाना है पांच जाना है,
एक दो तीन चार पांच ये पड़ेगा, ठीक है। आई के बाय पांचवा, तो बाय इधर, अगर दाया कहा होता तो हम इधर जाते, दाया इस साइड जाया जाता है, बाया मतलब हम इधर आना होगा। तो ये हो गया और डी आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? आप ट्रिक समझते हैं, हो गया काम? यदि आर आर हैं तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस, राइट लेफ्ट हैं तो प्लस, लेफ्ट राइट हैं तो प्लस। यदि हमारे क्वेश्चन में राइट राइट लिखा हुआ है, दाएं और दाएं दोनों शब्द दाएं हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों शब्द दाएं हैं तो दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगी। यदि दोनों शब्द लेफ्ट हैं तो माइनस हो जाएगा, अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों दो शब्द दोनों रख के दोनों राइट है तो वो आपके होंगे माइनस, दोनों लेफ्ट है तो वो होंगे माइनस, अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो वो होंगे प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। यहां देखो, बाया दाया, अच्छा हिंदी में लिख दें, हिंदी की जरूरत है क्या? लेफ्ट राइट समझ रहे हो ना सब? ठीक है, ये है बायां, ये है दायां, और जब भी अलग अलग आते हैं तो दोनों वैल्यू क्या होती हैं? प्लस। तो 10 और प्लस 6 16, बाएं से 16वां पी होता है। देखो फिर से समझो, जब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो हम उसके शब्दों को पकड़ेंगे, तो उस शब्दों में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमको बायां दायां ढूंढना है। तो एक हो गया बायां और एक है दायां, और हम जानते हैं कि जब लेफ्ट और राइट होता है तो वैल्यू माइनस होती है, मतलब 10 प्लस, दोनों अलग अलग होते हैं। तो 10 प्लस 6, एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 6 है, 16, बाएं से 16वां, और बाएं से 16वां क्या होता है? पी होता है आंसर। अब आपका एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर ये हम बाएं से ही 16वां क्यों लिए, दाएं से भी तो ले सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहला लिखा होगा वहीं से लेना है। अगर ये पहले बाएं से लिखा है तो बाएं से ही जाना है आपको, अगर यहां दाएं लिखा होता तो दाएं से जाना होता। चलो दूसरा देखो, बाएं दाएं, तो बाया दाया मतलब प्लस, प्लस का मतलब 9 प्लस 5 14, किधर से? बाएं से, और बाएं से 14वां एन होता है, वही आंसर है। बाएं बाएं जब दोनों साथ में आ जाते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट, तो ये क्या होते हैं? माइनस। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, और किधर से? बाएं से, बाएं से चौथा डी होता है आंसर। है जी, तेज हो गए? एक कॉन्सेप्ट ना भूल जाना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ना कुछ समझ में आ रहा हो तो बना लेना है बीसीडी। अरे 10 सेकंड और ज्यादा ही लगेगा, एक नंबर तो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, दाएं से
दसवें के बाएं पांचवा दाएं से सातवें के बाएं दसवां दाएं से ग्यारहवें के दाएं पांचवा बाएं से तेरहवें के दाएं चौथा। चलो इतने कहां से निकालो। क्लास है क्या सर? कितने बजे? 9 बजे है। पूछ ले, आप हो गए सर? पूछे 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 बताए। ठीक है, 9 बजे चले तो मैं छोड़ू। ये आंसर होगा, पूजा गुप्ता बिल्कुल सही है। देवेश JLJUQ सही है। ध्यान बस देखो कैस का रखना था, दाएं का मतलब फिर दाएं वाला आएगा जो पहले लिखा होता है उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किधर से लेना है। सीरीज बताया है मैंने, किसी को क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आई? दाएं का मतलब समझ गए ना, उल्टा चलना होगा जे और वी। अच्छा एक तरीका बता देते हैं, देखो बाएं से प्लस दाएं से इक्वल टू 27। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दाएं से
पंद्रहवां लेटर पता करना है, दाएं से पंद्रहवां लेटर पता करना है। और हम दाएं से वैल्यू नहीं रटे हैं, हमको सारी वैल्यू बाएं से पता है। भाई हमें सारी वैल्यू तो बाएं से पता है, दाएं से जेड की तरफ से तो हमें याद नहीं है। तो आप इसमें रख दो वैल्यू, बाएं से इक्वल टू प्लस दाएं, तो दाएं से कितना है पंद्रहवां इक्वल टू 27, तो बाएं से कितना हो गया 27 माइनस 15 12। इसका मतलब बाएं से 12वां इक्वल टू एल, यह है एल। तो क्योंकि हमको देखो याद नहीं होता, अब यहां पे दाएं से 15वां निकालना था, तो दाएं से आप कहां तक आप करोगे, सीरीज थोड़ा बनाओगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ए सब नहीं करोगे। तो दाएं से 15वें का मतलब हो गया बाएं से 12वां, ऐसे समझो। दाएं से 15वें का मतलब हो गया बाएं से 12वां, ये है मतलब। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, तो दाएं से 15 का मतलब ऐसा ही। ये क्वेश्चन आपका ये वाला है, देखो छठवां, इसमें क्या निकालना था दाएं से 17वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दाएं से 17वां मतलब बाएं से 10वां इक्वल टू जे, इस तरह से करना है, ठीक है। अब जैसे चौथा है, देखो चौथे में क्या है, ये बाएं से ही निकालना, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन माइनस क्यों हुआ है, माइनस हुआ है क्योंकि दोनों क्या है बताए थे ना, अगर दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, राइट राइट है तो माइनस होगा। अगर एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है एक राइट है तो प्लस होगा। ये दाएं दाएं माइनस होंगे। क्या हमारी बात समझ में आ गई स्टूडेंट, क्लियर है ये पॉइंट सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो अगर वो दाएं से कहता है तो परेशान मत होना कि सर दाएं से 15वां मतलब क्या, दाएं से 15वां मतलब बाएं से 12वां, दाएं से 15वां मतलब बाएं से 12वां, क्योंकि दोनों का सम 27 होना होता है और बाएं से हमें सारी वैल्यू पता है। हमने कहा बाएं से 12वां मतलब एल। सेम है तो माइनस होगा और अदर है तो प्लस होगा, हाँ बस वही चीज। अगर सेम है राइट राइट है या लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, लेकिन अगर वो अलग अलग हैं लेफ्ट राइट तो वो प्लस हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। बाकी ठीक क्लियर है, आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल वापस आके कल फिर एबीसीडी सिखाएंगे आपको, ठीक है। आज यहीं खत्म करते हैं, कल वापस आते हैं और फिर से हम लोग एबीसीडी पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू एवरीवन।